my video. In this video lecture, we will understand about long question answer of chapter 1 computer subject. Name chapter is computer networking. तो guys पिछले मैं वीडियो में बता दिया था guys कि guys अगले वाला वीडियो लॉन्ग आने वाला है और मैंने इसका शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग लेक्चर करवा दिया था. तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो guys एक बार देख लेना, और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो guys समझ में नहीं आएगा कुछ भी. तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर. तो गाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन, यहाँ पे पूरे दो क्वेश्चन आंसर है जैसे कि आप देख सकते हो, और आज हम समझने वाले हैं. तो गाइज समझने से पहले गाइज मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ. तो गाइज बताओ ऐसा कौन सा देश है जो बहुत पिज्ज़ा बनाता है. बहुत आसान सा है, सिंपल क्वेश्चन है. तो गाइज अगर आपको पता होगा तो गाइज कॉमेंट कर देना, इसका आंसर मैं लास्ट एंड के वीडियो में बता दूंगा. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर. तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये गुण क्या है इनके. तो इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट. ये एक सेट है कंप्यूटर का जो शेयर करता है, देता है रिसोर्सेस फैसिलिटीज़ ऑन और प्रोवाइड और ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क नोड. नहीं, प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड. अच्छा, प्रोवाइड करता है नेटवर्क, वो भी किस से, नेटवर्क नोड से. और इसके नीचे कुछ दिए हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज, फर्स्ट पॉइंट इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल. ये गाइस बहुत फैलता है और हाईली वो भी. और इसका सेकंड पॉइंट है इट इज़ इंक्रीज कॉस्ट इफिशेंसी. ये अपना कॉस्ट इफिशेंसी इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है. थर्ड पॉइंट इट बूस्ट द स्टोरेज कैपेसिटी. ये बूस्ट कर देता है स्टोरेज कैपेसिटी की, मतलब स्पीड बढ़ा देता है और ना स्टोरेज कैपेसिटी की. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, दो जैसे कि 2 GB का मोबाइल है तो अगर ये लगा लेगा वो अपने मतलब कंप्यूटर में तो उसका 8 GB हो जाएगा 3 या 4 ऐसे करके. तो गाइस समझ गए होंगे आप उदाहरण से. अगला फोर्थ इट इज़ इनएक्सपेंसिव सिस्टम. ये बहुत सस्ता होता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब लैन एंड मैन. अब आपने पहली बार सुना होगा तो गाइज आपको थोड़ा संदेह हुआ होगा हैं ये क्या नाम है लैन एंड मैन. तो गाइज बता देता हूँ लैन क्या है. इट स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. और ये लोकल एरिया नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म, और ये बहुत ही जगह लगते हैं, देखा भी होगा आपने. सेकेंड पॉइंट इट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन. ये डिजिटल कम्युनिकेशन है और जो इंटरकनेक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर को, वो भी 1 किलोमीटर के अंदर. इसका डायमीटर गाइस ज़्यादा नहीं है 5 किलोमीटर से. आगे मैन, मैन क्या होता है. मैन आपने पहली बार सुना होगा तो गाइस आपको लगा होगा कि मैन आदमी. तो लेकिन गाइस कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स है जो डिफरेंट थिंकिंग आपके मन में पैदा कर रहा होगा. लेकिन गाइस यहाँ पे जो सच है वो मैं बता रहा हूँ. इट स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और इन दिस नेटवर्क, और इस नेटवर्क में कनेक्ट होता है 2 or more लोकल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क. कैंपस एरिया नेटवर्क का फुल शॉर्ट फॉर्म है कैन, CAN, कैन. और ये दोनों आपस में जॉइंट होते हैं और एक यूजली स्पैन सेवरल बिल्डिंग्स में लगाते हैं, वो भी एक ही सिटी के अंदर, और ये बहुत बड़ा भी होता है. तो होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा. तो गाइज मैं आपको आंसर बता देता हूँ अमेजिंग फैक्ट का, जो मैंने शुरुआत में बता दिया था वीडियो के. तो गाइज क्वेश्चन था हमारा शुरुआत में क्या था, हाँ, कि पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा देश कौन सा पिज्ज़ा बनाता है. तो गाइज इसका आंसर सिंपल है इटली. तो गाइज आप हैरान ज़रूर हो गए होंगे, लेकिन गाइज जो सच है वही मैं बता रहा हूँ. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.